हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है गुड मॉर्निंग उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से। तो कल आपने केदारनाथ यात्रा देख ली है, तो अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। और मेरे पीछे का व्यू चेक करो कितना बढ़िया है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। और गाड़ी को हम करते हैं पैक दोबारा से, एंड बैग बुक रखना स्टार्ट कर दिया है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ, जो कि है यहाँ से 200 किलोमीटर से अब ही होगा, ऑलमोस्ट 200 ही है। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते, क्योंकि 200 किलोमीटर वो भी पहाड़ों में, पहाड़ों का 200 किलोमीटर बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। और कल की वीडियो जिसने नहीं देखी वो आई लिंक में आ जाएगी, और कमेंट जरूर करना हर हर बोले। जो भोलेनाथ जी के भक्त हैं वो हर हर बोले कमेंट जरूर करना। तो चलो चलते हैं, सफ़र को दोबारा करते हैं स्टार्ट। जैसे ही हम बद्री विशाल के लिए निकलते हैं और हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा जाम, और यहाँ पर हम बहुत देर खड़े रहे एंड फिर हमें बहुत ज़्यादा क्लियर रास्ता मिला। और बद्री विशाल तक जाने के लिए हमें पहले वापसी रुद्रप्रयाग तक आना पड़ेगा, और रुद्रप्रयाग से हमें फिर दोबारा बद्री विशाल के लिए एक रास्ता कटता है, वो मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ से कटता है। और अब हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और अब यहाँ से पीते हैं चाय और परांठे, और फिर निकलते हैं आगे के लिए। तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं जहां से रास्ता डिवर्ट होना था, जहां से हमने बद्रीनाथ के लिए रास्ता काटना था। ये जो मैप में देख रहे हैं यहीं से रास्ता कटता है, तो हम वहां पहुंच चुके हैं। जो अब आप ये देख रहे हैं मार्केट और ये घर, ये सारे जोशी मठ के हैं। जब बद्रीनाथ में बर्फ़बारी हो जाती है पूरी प्रॉपर, तो वहाँ के लोग सारे जोशी मठ आ जाते हैं। यहाँ पर भी बर्फ़बारी होती है, बट वहाँ के कंपेरिजन बहुत कम होती है। तो ये मार्केट आपको क्रॉस करके जानी पड़ेगी। यहाँ से दो रास्ते होते हैं, जो एक आने का होता है वो अलग है और एक जाने का होता है, तो वन वे ही रूट है यहाँ पर। तो गाइस जोशीमठ से निकलते ही हम वादियों के सुंदर सुंदर व्यू एंजॉय कर ही रहे थे, तो उसके ऊपर हमें एक और टेंशन आ गई। जो हमारा मैप था वो हमें बार बार रिकैलकुलेट कर रहा था। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर खाली नेटवर्क स्लो हो जाता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, बट आप ठीक रूट पर चल रहे होते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं, तो डैम पे पहुँचते ही हम डैम का व्यू देखते हैं, और डैम का व्यू बहुत औसम था यार, जो आप देख ही रहे हैं। और नीचे जो पानी था वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर भरा हुआ था। तो ये व्यू इन्जॉय करते करते हमें पता ही नहीं लगा कि हमने अपना सफ़र कैसे कम्प्लीट कर लिया। फाइनली गाइस हम पहुंच गए बद्रीनाथ, और सॉरी मैं ज़्यादा कुछ
बता नहीं पाया रास्ते के बारे में, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम था, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा कम था इस बारी मेरे पास, बट अच्छी खासी बहुत अच्छी चलाई है कार तो। एंड इस टाइम 7 बज गए हमें पहुँचते पहुँचते, अराउंड 250 किलोमीटर हमें सफ़र पड़ गया, क्योंकि हमने बीच में एक रास्ता ले लिया था लॉन्ग रूट, उसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम लग गया, वरना और जाम जुम जो मिला के लगा है टाइम। अब भाई और गए हैं रूम देखने, फटाफट से रूम करते हैं और गाड़ी को अनपैक करते हैं, फिर खाने पीने की तलाश करते हैं, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, बिकॉज़ जो हमने लॉन्ग रूट लिया था ना उसमें कोई खाने पीने का रास्ता नहीं है, खाने पीने का तो था ही नहीं, बस जो चिप्स वगैरह थे हमारे पास उससे काम चलाया। तो अब हम अगर खाने पीने जाते हैं तो वो दिखाऊंगा, अदरवाइज़ फिर कल मिलते हैं दोबारा से। तो गाइस यहाँ से एक चीज़ और पता लगी है, अगर आप पीछे होटल लेते हो तो वो आपको महंगा पड़ेगा, और अगर आप आगे लेते हो तो वही रूम वैसा ही रूम सस्ता पड़ेगा, और इसलिए पीछे हमने रेट पूछे 3000 रुपीज़ रेट बता रहा था, बट आगे जितना रेट है वो कम है शायद से, अभी देखने गए हैं फिर बताते हैं आगे रेट क्या है। तो फाइनली गाइस रूम मिल गया हमें, और रूम तो यहाँ पे महंगे ही हैं यार, क्योंकि इस टाइम रश बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा दुनिया आ रही है यहाँ पर, और रूम हमें 3500 रुपीज़ का मिला, बट रूम अच्छा है, खुला है और 2 बेड का रूम है। और बस मैं रूम दिखाता नहीं हूँ अपनी वीडियोस में, तो मैं नहीं दिखाऊंगा, अगर मेरा मन करा तो मैं कल मॉर्निंग में दिखाऊंगा रूम। तो अब हम निकल गए खाने के लिए, मैं फिर अभी मार्केट में ही मिलता हूँ आपको सीधा। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए मंदिर के पास, और मंदिर का नाइट व्यू तो बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छे से जा रखा है। और अब हम चल रहे हैं आगे मंदिर का और पास से देखने के लिए, एंड दिखाता हूँ अभी पीछे करके दोबारा से। और इस टाइम बहुत रश है, इस टाइम बहुत ज़्यादा। तो चलो दूर से तो देख लिया, पास चल के देख लेते हैं थोड़ा सा, फिलहाल दर्शन तो सुबह ही होंगे क्योंकि कपाट कल खुलने हैं, और हम भी सुबह ही आएंगे, अब बस दूर बाहर बाहर से दर्शन करके और अंदर चलेंगे खाने पीने के लिए, दोबारा बाहर वापसी आएंगे मार्केट में, फिर खाएंगे भोजन, बिकॉज सुबह के चले हैं और हम अभी तक कुछ भी नहीं खाया, अभी तक पहला काम था हमारा दर्शन करना, जिसके दर पे आए हैं उसको पहले अरदास तो दे दे कि हाँ भाई हम आ गए। तो चलो चलते हैं। मार्केट फिलहाल इस टाइम तो बंद पड़ी है सारी, अभी अराउंड 3 से 4 बजे हैं, हम 3:30 निकले थे अपने रूम से, मोड़ मुड़ते ही दर्शन मंदिर का पहला दर्शन होता है। ये रास्ता जा रहा है बद्री कुंड में, ये कुंड है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम पर। तो हम तो स्नान करके यात्री हो गए हैं, और पानी बहुत ज़्यादा गर्म था भाई, अंदर बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, और बाहर बैठ के हमने स्नान करा। तो चल रहे हैं मंदिर की लाइन में, लाइन भाई बताया था ना लंबी लगती है, और वही बात हुई, बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई है लाइन भी।
फाइनली गाइस दर्शन हो गए हैं, बड़े मुश्किल से हैं और दर्शन दिखा कार बैठे हैं, वहाँ से उधर से निकल गया, जा रहे हैं हम वापसी निकल गया तो पहले इस साइड देखिए हम बस निकल रहे हैं, देखते हैं हम कहाँ जाना है, आगे जाना है या वापसी घर वाली साइड निकलना है। हम निकल रहे हैं हरिद्वार की तरफ, रोज़ हमें जो टाइम लग गया मंदिर के दर्शन में बहुत ज़्यादा लग गया था, तो हमारे थोड़ा टाइम टेबल बिगड़ गया और अब हम निकल रहे हैं हरिद्वार, तो हरिद्वार में थोड़ा बड़ा शूट कर लूँगा, अदरवाइज ब्लॉग एंड कर देंगे बिकॉज आज इतना कुछ मिला नहीं, अगर मुझे लगा कि ये छोटा बनेगा तो मैं उसके साथ ही मिला इसको भी, चलो हम निकलते हैं हरिद्वार की तरफ।